प्रिय दर्शक बंधु भिन्न एक शिवालय कार्यक्रम आज आपको स्वागत जनाऊली एक पीठ जार महात्मा बहुत अधिक से हूँ श्री श्री सिंहनाथ पीठ बड़ आनंददायक यात्रा महानदी गर्भर आउ सुंदर नौकर आम मैंने नौ विहार कर शुद्धपूत मन में सिंहनाथ दर्शन अभिमुखे बाहरी छे सौभाग्य विषय आम सम्मुखे अच्छा श्रीजुक्त जलधर रणा से हूँ सिंहनाथ महादेव पीठकर जन पूजक आसन्तु पचारि बुझा यही सिंहनाथ महादेव पौराणिक तथ्य कौन अच्छी पौराणिक किंवदंती कौन रही आमर प्राचीन शैवपीठ टी बहुत पुरातन यार बहुत प्रमाण अच्छी ये प्रभु हूँ तृतीय जुगर ठाकुर आमर बड़म्बा इतिहास स्वर्गत रामचंद्र प्रहराज काव्यपीठ से किसी संस्कृत माध्यम किसी श्लोक लिखी जा महानदी पुण्य सरित प्रवाह अंतराल सिंहा चरम सानुदेशे विराजमान परिवार वर्गे श्री सिंहनाथ तमह प्रपद्ये ये प्रभुंकर रामायण किसी प्रमाण ये मिली प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जिते बनवास आते श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण एवं माँ सीतादेवी तीन ठाकुर पूजा कर दर्शक बंधु आम सम्मुखे अच्छा श्रीजुक्त सुबल रणा से हूँ मंदिर मार्फतदार बहुत पुराणा तथा विशिष्ट व्यक्ति सी आम को आउ किसी किंवदंती रही मंदिर विषय को लेकिन सी आम सम्मुख रखे गोटे गाई गौर गोठरु दैनिक नदी पहरिक आसिक क्षीर टिके ठाकुर को सी जाए गौर ए विषय जाना गाईटा दैनिक मोर कड़े जाऊ नांद धरिकी पहरिक आसिक देखला जे ये ठाकुर को ऊपर से क्षीर दीटवा दे कि चल जाऊ भाया गाई काली गाई टी आसिक करके जार ठाकुर को तो से दिन ठू जना पड़े जे एठी ठाकुर अछंती बोली एरा उठे किमनंती राजा राजेंद्र जाने राजा आसी के खोला खोली कर के एठी सब ये कर ले दर्शक बंधु आम गहन दर्शन सीतक श्याम बंधु बेहरा से हूँ जन राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक से हूँ आम गोपीनाथपुर निवासी आसन्तु शुणा किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं आउ किसी पौराणिक तथ्य ये मंदिर आमर से बड़म्बार राजा माधव राउत बोली जड़े राजा को साहय उत्कल गजपति निर्माण करें इतिहास जानू एमती किसी किंवदंती रही कि बांकी राजा आ बड़म्बा राजा मध्य केवे मतांतर होता उभय कहले मंदिर हूँ उभय दाबी करेंगे इसलिए उभय कर मंदिर एमती किसी लोककथा अच्छे कि आज्ञा अच्छी तेरे मंदिर को पूजा करने को आमर साधारणतः आम गोपीनाथपुर बड़म्बा अंचल जो पूजक मान पूजा करती किंतु कौशल क्रमे बांकीवासी बांकी राजा से ये मंदिर टीर अधिष्ठात्री देवता तांकर से बोली दाबी कले तेणु या भितर टिके तांकर भितर टिके लड़ाई होला जहाँ फल बांकी राजा जाइकरी जणैले आमर पुरी राजा को एवं से पंदर दिन भितर तांकर युद्ध बंद करिकरी कहले आउ स्थिर करिबा एवं पंदर दिन समय भितर आमर ए मंदिर को पूरा सीमेंट त नुहे से चूनो जोड़ा देकि लेपि दिया गला लेपन करा गला आ पुरी राजा आसी देखिले जे से प्रकृत मूर्ति आ सब लुचि जाय छथि बांकी राजा कहया तथ्य अनुजाई ठीक से कथा मेल खाउन तेन बांकी राजा कोन कहिथिले से कहिथिले हमर मंदिर रा संपूर्ण कारीगर जपूर्ण अच्छा किंतु तांक कथा सत हलानी मंदिर भास्कर जे नथला चारियाड सब चुनो लेप होइथला परवर्ती परवर्ती समय रे पूर्ण से चुनो लेप को हटाई दिया कि जेमती कारुकार्य पूर्ण जेमती बाहर सब जेमती से अवस्था पळे मंदिर सुंदर एटा एटा लोक कथा ना एटा सत्य सत्य आ रही छी सत्यासत्य बोली आमे शुणी
आमर ए ठाकुर पूजा विधि करने राजोड़ामलू बहुत जमीजमा ये भोग दखल कर ठाकुर को भोग लगी करने जमी सब उद्दिष्ट आम ठाकुर तीन धूप पांच अवकाश गोटी हुए सका धूप कौन हुए ना प्रथम प्रभु को जल चंदन पुष्प देलापर बाग लग बाग लगला खाली खेचुड़ी लुण पका हलदी पका खेचुड़ी टी हुए डालमा टी हुए ये खेचुड़ी डालमार वैशिष्ट बहुत कहले आज्ञा अत्युक्ति हेनी आपर दी पर्व पर सात प्रकार भोग लगे अन्न खीरी खेचुड़ी तरकारी एंडुली कांति काकड़ा ये सबुदिन ये नित्य नैमित्तिक भाव भोग लगे आ रात प्रभु कौन हुए संध्या आरती हुए संध्या आरती सरला अन्न टिके एवं तरकारी टिके हुए एवं दही से खंजा जा गौड़ जमी खाऊ से दही और क्षीर जोगाउं से रात दही पखाड़ा ठाकुर धूप सरला बड़ सिंहार पूजा कराए यह ठाकुर नीति प्रतिदिन चली एबे सुधा भी चली कौन बड़ सिंहार पर पड़े आम ये ठाकुर जगार बड़ पर्व हूँ मकर संक्रांति महाशिवरात्रि जगर जात्रा एवं कार्तिक मास पूर्णिमा सेटा गोटे बड़ जात्रा प्रत्येक मास सोमवार बहुत भक्त आसती दर्शन करती भिड़ जमे से भक्त आसापी आम ठाकुर गोटे डंगा टी अच्छे से जमी जमा खाऊँ से केवट कैवर्त लोक या पारि करते जिते बढ़ी बना बात्या ठाकुर नीति हुए आज के बंद है सिंहनाथ पीठ विषय आमको सविशेष जो बरणी प्रदान कर आध्यात्मिक तत्व ऐतिहासिक तत्व बुझे तेणु दर्शक बंधु मान तरफ ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद कर्ममय जीवन रु कि समय बाहर करे दर्शक बंधु अति मनोरम परिवेश रे जो सुशोभित मंदिर आप देखिले एवं एठिकार आध्यात्मिक तत्व को बुझिले निश्चय आपण मन को छुई थ निजर कर्ममय जीवन रु कि समय बाहर करे निहाती रूपे यही आध्यात्मिक पीठ को आसतु यही पीठ को पहुँचवा को उभय पटु आपन को नौका साहय आसवाक पड़े एवं खरा दिन फेयर वेदर रास्ता थाए जिते कष्ट भी आप निश्चय यही पीठ को आसतु से ही सिंहनाथ आपण कष्ट लाघव करेंगे एवं आम समस्त जीवन में सुख शांति भरीदे मन बुद्धि तार स्वयं सिंहनाथ पाखे जोड़ी दिंतु से ही संसार समस्त दुख को खंडन करेंगे। ओम शांति। प्रिय भाई भोनी माने आज आम शुणा शिव बाबा को अनेक भक्तवृंद सिंहनाथ रूप से मन पकाउं तार तात्पर्य कौन देखु शिव को पशुपतिनाथ रूप से आमे सबू मन पकाचे आपण जदि नेपाल जाइए सेठी पशुपतिनाथ मंदिर शिव बाबा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध अटे अनेक भक्तवृंद पशुपति शिव बाबा मूर्ति दर्शन करने हजार हजार भक्तवृंद सेठी ठोल हाँ पशु क्या कहुए जहाँ को बांधिकी रखाई थाए ताकू वास्तव में पशु कहा जाए जी पाशबद्ध ताकू पशु कहा जाए। आम भारतीय शास्त्र रे अच्छी कि आत्मागण जेते बेले विभिन्न प्रकार विकार रूपी पाशरे बद्ध ही जानती बांधी ही जानती सेते बेले ही परमात्मा आसिकी आमको ए विकार रूपी पाशरु मुक्त करती एवं से दृष्टि रे सबु आत्मागण आम मैंने सब पाशबद्ध पशुतुल्य एवं स्वयं ब्रह्मा भी पशुतुल्य एमती शास्त्र वर्णना रही परमात्मा जिते आसती सबु आत्मा मान को एवं ब्रह्मा को भी विभिन्न प्रकार विकार रूपी पाशर मुक्त करती तेणु शिव को पशुपतिनाथ रूप से भी वर्णना कराई शिव को देवता मानकर नाथ मनीष मानकर नाथ एवं विभिन्न पशुपक्षी मानकर भी नाथ प्रकृतिर भी नाथ
ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ, ତ୍ରିଭୁବନ, ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ। ଏବଂ ଏଇ ସଚରାଚର ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ସବୁ ଜଡ଼ ବା ଚୈତନ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତି ବା ପୁରୁଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଣେ ସିଂହନାଥ ରୂପରେ କେହି ଜଣେ ନାଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସବୁ ସିଂହନାଥ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାବ୍ୟକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ରୂପ ଦେଖାଇଛି, ଗୋଟେ ଯୋଗୀର ରୂପ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ସଜନୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କର ସାଜନ ଅଟେ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାଗଣ ସବୁ କ'ଣ ହେବା? ସୀତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାମ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୀତା। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟି ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ଆମର ମାତା ପିତା ରୂପରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛେ? ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣମ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କଠି ସେ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ଦେଖେ ଆଉ ତାଙ୍କଠି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଏ ଭବସାଗରର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧୀ ରୂପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର। ପରମାତ୍ମା ଆମ ଗୁରୁ, ସେ ଆମକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆମର ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସ୍ୱାମୀ ବଚ୍ଚା, ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବି ସାଜନ ବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଜନୀ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ରାମ କହିବା, ଯିଏ ମନକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଲୁଭାନେବାଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୀତା। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିବ କହିବା, ଆମେ ସବୁ ସାଜନ, ସେ ଆମର ସାଜନ, ଆମେ ସବୁ ସଜନୀ କ'ଣ ହେବା? ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ। ତ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ପାର୍ବତନ ମେ ରହେନେ ବାଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଉପରାମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସଦା ପୁରୁଷାର୍ଥରତ, ସେହି ପାର୍ବତୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନର ସୂଚକ, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ଗୁଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପରିଚାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି? ଶିବଙ୍କର ବାହନ କ'ଣ? ବୃଷଭ ବା ବଳଦ। ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଅମ୍ବା, ପାର୍ବତୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି? କ'ଣ ଦେଖାଇଛି? ସିଂହ ଦେଖାଇଛି। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କର ବାହନ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ କ'ଣ ଦେଖାଇଛି? କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାହନ ମୟୂର ଦେଖାଇଛି। ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଜଟାଜୁଟରେ, ଗଳାରେ, ହାତରେ ସବୁ ସାପଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼େ ହେଇଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦୁନିଆରେ ସିଂହ ଆଉ ବଳଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସିଂହକୁ ଗୋଟେ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଖାଇ ପକାଉଛି, ବଳଦ ଗାଈ ସବୁ ଖାଇ ପକାଏ। ସେମିତି ମୟୂର ଆଉ ସାପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ମୟୂର ତ ସାପକୁ ମାରି ପକାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବିରୋଧ, ଏକଦମ ବିରୋଧବାଚକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
शिव तो मंगलकारी अटंती कल्याणकारी अटंती तेणु आज पर्यंत देखंतु सिंह आउ बलद साप आउ मयूर समस्त गोटे जगार शिव पाखे ही आखपाखे थवर देखा जोठी पशु पक्षी समस्त कल्याण हो जाए केवल मनीष नुहे सब प्रकृति भी सतप्रधान हो जाए पशु पक्षी जगत भी समस्ते ठीक हो जाती दुनिया रे हिंसा अहंकार परस्पर प्रति जो आक्रमण ये सब गुड़ा प्राय लुप्त हो जाए एवं दुनिया सतप्रधान कि स्वर्ग हो जाए तेणु शिव को कल्याणकारी रूप से आम समस्ते मानुचु तो शिव को सिंहनाथ रूप से ये जन व्याख्या कर दीजिए जेहेतु सबू पशुपक्षी मान सबू जीवजगत सचराचर सबू दुनिया समस्त नाथ से अटंती सिंह नाथ जमती आप दुर्गा को देखुचु अनेक प्रकार अंबा को देखुचु से मैंने सब एम शक्ति रूप से ताऊपर बस बाहन रूप से देखुचु तर नाथ से भी कहीपर जदि शक्तिगण ही कर तेणु शिव तर नाथ हे नहीं कि तेणु सिंहनाथ रूप से किए व्याख्या कर देखते किंतु प्रकृति में बुझा दरकार आज तार आध्यात्मिक अर्थ को आम भूली सारे एवं भावुचु जे शिव सब एमती गंजे पीऊते भांग खाऊ खाली शिव को खुश करने प्रति आशुतोष शिव बाबा संतुष्ट हे आम उपर भाविक आम जाटा टी चढ़ कि क्षीर कलश टे नहीं चढ़ेदे से कौन शिव बाबा संतुष्ट हे कि तो सिम्बलाइज कराई प्रतीक रूप से देखाई पा चढ़ेवा अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करवा आम जीवन में जहाँ भी जाऊ मरीजी पछे मुँह ये अकर्तव्य करें भल कम सदा सर्वदा लगि रही एमती दृढ़ प्रतिज्ञा करार से सिंबल अटे तेणु आम परमात्मा को विभिन्न प्रकार देवदेवी मनीष प्रकृति पशु पक्षी समस्त से नाथ अटंती तेणु सिंहनाथ रूप से जो आम पूजा करे जाढ़ुचे शिवलिंग आम परमात्मा को प्रतिज्ञा करवा चलतु एवं आम जीवन में सदाकाली परिवर्तन आणले से आम उपरे प्रसन्न हे एवं आम जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार ये भवसागर दुख अशांति रोग शोकर सदाकाली मुक्ति हेजा ओम शांति।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा अमृत संतान आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक भाई और भौणी मान को मोर आंतरिक शुभेच्छा। आम समस्ते निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव को द्वापर युग रु भक्ति करे भक्तिर शेष हुए ईश्वर ज्ञान प्राप्ति रे। प्रकृतिर तम प्रधानता एवं पांच तत्वर तांडव लीला आखि आगे झलसी उठु। अन्य पार्श्वे स्वयं परमात्मा धरापृष्ठ में अवतरित हो आम ज्ञान चक्षु उन्मोचन करतन यही घड़ी सन्धि मुहूर्त आसतु आम समस्ते सजग हो उठवा निष्ठार सह निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव को भक्ति करुवा भक्त मानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तिर सुवर्ण मुहूर्त उपनीत। परमात्मा शिवंर प्रकृत परिचय पाई ज्ञान में निज जीवन को उद्भासित करवा अज्ञानता रूपक अंधकार ज्ञान लोकर अभिमुखी होगा निजर सत प्रधान संस्कार गढ़वे आसतु व्रती हवा आमर ये प्रचेषा आपण मान मन प्राण को उद्बुध कर यही आशा एवं विश्वास। ओम शांति।